सब्जेक्टिव शीट नंबर 19 एंड 20 में, सब्जेक्टिव शीट नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 1, आपको ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का। पहले आप ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड कर लें तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 5 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसी तरीके से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में दोनों को माइनस कर लें, आई में से आई, जे में से जे, के में से के, एक नया वेक्टर आएगा। नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर रूट 29। क्या सबने ऐसे किया? हो गया सॉल्व ये? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ, तो सबसे पहले क्या निकालना है? इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहले टाइप का क्वेश्चन, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू, अगर वर्ड परपेंडिकुलर आ जाए तो दो वेक्टर को पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेके एक नया वेक्टर निकलेगा, वो नया वेक्टर इन दोनों वेक्टर के साथ 90 डिग्री पे होगा। लेकिन उसने कहा रिजल्टेंट निकालो, रिजल्टेंट के पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालो, तो पहले इन दो वेक्टर को ऐड करके नया वेक्टर आएगा, फिर इसका यूनिट वेक्टर आएगा, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये आंसर होगा। क्या आप लोगों ने ऐसे किया? इसे समझ में आ रहा है यहां तक? जैसे फाइंड अ वेक्टर विच व्हेन एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो कह रहे एक्स वेक्टर मान लो एक वेक्टर है, विच व्हेन एडेड टू एक्स दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो आंसर नया वेक्टर आएगा अलोंग जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा कैप है? के कैप है। तो यहां से ये दोनों वेक्टर राइट साइड जाके माइनस होके एक्स वेक्टर की वैल्यू आएगी। कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में लैम्डा निकालना है और ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर गिवन है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो इसका अंडर रूट ऑफ 0.4 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर और लैम्डा का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा? 1। तो सॉल्व करके आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? ऐसे किया, आंसर आ गया था क्या? ट्राई ये। ठीक, नहीं जरूरत नहीं। देखो वो तब करते हैं, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड तब निकालते हैं जब मुझे वेक्टर निकालना होता है, जब आई कैप जे कैप, जैसे मुझे ए वेक्टर की बना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और मुझे उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, फिर मैं लगाऊंगा अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। लेकिन इसमें नहीं, इसमें तो ऑलरेडी वेक्टर गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है ये हमें मालूम है, तो ऐसे कर लो। ठीक है, तो ऑलरेडी वेक्टर गिवन है तो वेक्टर का वेक्टर कैसे निकलेगा? ये तो ऑलरेडी वेक्टर गिवन है। कोई डाउट इसमें? क्या आंसर 0.2 नहीं आ रहा? जैसे मैंने चेक नहीं किया, सच बताऊं मैंने फर्स्ट स्टेप पूछ दिया, फिर मैंने सोचा कि आंसर रूट 0.2 आ रहा होगा, एक बार चेक करना प्लीज, आ रहा है तो ठीक ही किया होगा। ठीक है, 0.2। तो समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट देखो। तीन कोप्लेनर वेक्टर्स गिवन है, वो करेक्शन है, वो जे कैप है। तीन कोप्लेनर वेक्टर्स गिवन है, आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। कोई मुझे बताएगा इसमें कोप्लेनर वर्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम मुझे तीन वेक्टर दोगे और मैं रिजल्टेंट निकाल दूंगा तो आंसर तो आ ही जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। हाँ, वो शायद इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि अगर हम ट्राइंगल लॉ लगाते हैं तो तीन के तीन वेक्टर लाई इन सेम प्लेन, ट्राइंगल एक प्लेन में बनता है, तो एक प्लेन में मिलता है तो उसको कोप्लेनर भी बोल सकते हैं, तो तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है।
तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है जो कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का सम होगा, इन तीनों को ऐड करके नया वेक्टर आएगा, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशियंट का स्क्वायर एंड जे के कोफिशियंट का स्क्वायर रूट फाइव। को डाउट इसमें पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ऐसे किया सबने, ठीक है ना यहाँ तक? फिफ्थ के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स में, क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको ये गिवन है, अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो एक फोर्स 30 डिग्री में है, इफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 50, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट भी निकालना है। तो इसके अंदर क्या करना है, तो ये f की वैल्यू है, ये 30 डिग्री है, तो f के कॉम्पोनेंट होंगे, एक कॉम्पोनेंट क्या होगा, f cos 30। आपको इसका मैग्नीट्यूड गिवन है कितना, 50। तो f cos 30 इज इक्वल टू 50, cos ऑफ 30 क्या है, रूट 3/2, यहां से f की वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? f आ गया। फिर आपको इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट भी निकालना है, वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या होगा, f sin 30। तो f की वैल्यू जो आपने यहां से निकाली उसको उठा के यहां पे पुट कर देना है, साइन 30 हाफ है आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है? तो f का एक कॉम्पोनेंट f cos 30 इज इक्वल टू 50, यहां से f आएगा, इस f को यहां पे पुट करके वर्टिकल कॉम्पोनेंट भी आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? ऐसे किया, ठीक है, आ गया था आंसर। नेक्स्ट है, वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड हैज वाई कॉम्पोनेंट 5√2। मतलब एक वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड की, इसका वाई कॉम्पोनेंट वर्टिकल कॉम्पोनेंट की वैल्यू कितनी है, 5√2। आपको क्या निकालना है, इसका एक्स कॉम्पोनेंट निकालना है, ठीक है? तो मुझे पता है कि 10 रिजल्टेंट होगा इसका और इसका, तो 10 रिजल्टेंट है किसका, अंडर रूट ऑफ 5√2 का स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, पैलोग्राम से ही रिजल्टेंट बनेगा। तो इसमें एंगल उंगल तो गिवन नहीं है, अगर एंगल गिवन होता फिर तो कॉम्पोनेंट्स भी बनाते, एंगल नहीं गिवन तो सीधा पैलोग्राम लगा के रिजल्टेंट लगा दो, तो रिजल्टेंट जो होगा वी एक्स स्क्वायर और 5√2 का स्क्वायर आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? कैसे किया? अच्छा, आपने वो ले लिया एंगल थीटा, इमेजिन कर लिया, हाँ हो सकता है, हो जाएगा, ऐसा नहीं कि कॉम्पोनेंट से हुआ नहीं, मेरे को लगता है ये आसान तरीका है कि आपको पता लग ही रहा है कि रिजल्टेंट है तो, और कॉम्पोनेंट्स हमेशा 90 डिग्री पे होते ही हैं, तो सीधा ही पाइथागोरस से आंसर आ गया, बात ही खत्म हो गई, कुछ करना ही नहीं है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, सॉल्व किया, मतलब मैंने स्टेप छोड़ दिए, खुद कर लेना मतलब अगला स्टेप तुम्हारा अपना मैथ्स का स्टेप है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है, एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री पे प्लेन उड़ गया, कॉम्पोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल इज 200, हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, 200, व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी। तो अगर एक्चुअल वेलोसिटी वी है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो इसका कॉम्पोनेंट एक्स के अलोंग क्या होगा, वी कॉस 30, वी कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, 200, तो cos 30 क्या है, रूट 3/2, यहां से सॉल्व करके v आ गया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, सबका आ गया था ये? तो यहां से सॉल्व करके v cos 30 इज इक्वल टू 200 से v की वैल्यू आ गई। फिर वो कह रहे हैं वर्टिकल कॉम्पोनेंट भी निकाल दो, वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या होगा, v sin 30, 30 के साथ वाला v cos 30 और परपेंडिकुलर v sin 30, तो v sin 30 में v आप निकाल चुके हैं, sin 30 हाफ आंसर। तो मेथड समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है? तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट आपको पता है, तो v इंटू कॉस 30 इज इक्वल टू 200 से v आ जाएगा, और फिर वर्टिकल कॉम्पोनेंट की वैल्यू भी आगे से कंटिन्यू हो जाएगी। कोई डाउट इसमें? ऐसे ही किया सबने, ट्राई किया था ये, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हमने किया हुआ है
एक चाइल्ड जो है वो रस्सी से 60 न्यूटन से एक बॉडी को खींचता है एट एन एंगल ऑफ 40, तो कौन सा फोर्स का कंपोनेंट एक्स के अलोंग है? तो आंसर क्या होगा, 60 कॉस 40, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 60 साइन 40. साइन और कॉस 40 की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा आंसर, क्योंकि ये आंसर मैं निकाल नहीं पाऊंगा जैसे न्यूटन में, क्योंकि कॉस 40 और साइन 40 की वैल्यू मुझे गिवन नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो. ठीक है,